हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे क्लास सिक्स का हम 5.1 पढ़ चुके हैं। आज हम पढ़ेंगे 5.2। 5.2 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है हमारे पास, व्हाट फ्रैक्शन ऑफ ए क्लॉकवाइज रिवॉल्यूशन। हमें एक फ्रैक्शन फाइंड करना है, कैसे? क्लॉकवाइज रिवॉल्यूशन। रिवॉल्यूशन क्या होता है? राउंड लगाना है, कि क्लॉकवाइज ऐसे राउंड लगाना। द आवर हैंड ऑफ ए क्लॉक टर्न शो व्हेन इट गोज। तो हमें क्या बताना है कि कितना रिवॉल्यूशन कंप्लीट होगा। अब देखो, हमारे पास एक वॉच है, मान लिया हमारे पास क्या है, ये हमारे पास क्या है, एक वॉच है। यहाँ हमारे पास 12 है, इधर हमारे पास 3, ये 6 आ जाएगा, ये 9, यहाँ आएगा 1 और 2, 4, 5 आ जाएगा, 7, 8 आ जाएगा, 10, 11 आएगा, ये हमारे पास वॉच है। अब 3, 2, 9, ये हमारे पास क्या है 3, और ये हमारे पास क्या है 9। यहाँ से रिवॉल्व होके यहाँ तक आई आपके पास वॉच, ठीक है। जो हैंड है हमारे पास, जो मिनट हैंड है, हावर हैंड है, हावर हैंड यहाँ से रिवॉल्व होके यहाँ तक आई आपके पास। तो हम क्या करते हैं, सिंपली अगर इसको ऐसे करेंगे तो हमारे पास गलती हो जाती है, इसलिए हम क्या करते हैं, जो बड़ा है उसमें से माइनस कर देंगे। तो क्या आ जाएगा, 9 - 3 कितना आ जाएगा 6, और टोटल आवर्स हमारे पास कितने होते हैं 12, तो क्या आ जाएगा 6/12। 6/12 कितना होता है 1/2, क्या बोल देंगे 1/2 ऑफ रिवॉल्यूशन, कि टोटल जो रिवॉल्यूशन है उसका क्या हो जाएगा 1/2। अब देखो, 3 से अगर 9 तक आ गया तो हाफ हो गया हमारे पास, हाफ ये होता है और हाफ है ये आ गया, तो क्या बोल दिया हमने 1/2 ऑफ ए रिवॉल्यूशन। नेक्स्ट है 4 to 7। 4 से हमारे पास कहाँ तक आया 7, तो 4 से 7 तक हम क्या निकाल लेंगे 1, 2, 3, टोटल हमारे पास 3 आया। इसको ऐसे के बजाय हम क्या बताएंगे, मैंने बताया था जहाँ बड़ा है उसमें से माइनस कर देंगे, 7 - 4 क्या आया 3, टोटल आवर्स कितने होते 12, 3/12 कितना आ जाएगा 1/4 ऑफ ए रिवॉल्यूशन। 7 to 10, 7 से 10 क्या आ जाएगा 10 - 7 कितना आ जाएगा 3, 3 को डिवाइड कर देंगे 12 से क्या आ जाएगा 1/4 ऑफ ए रिवॉल्यूशन। नेक्स्ट है 12 to 9, 12 से लेके हमारे पास कहाँ आया 9। अब 12 से 9, 12 हमारे पास क्या होता है 0 के इक्वल होता है, क्योंकि 12 के बाद अगर 13 आता हमारे पास तो कंटिन्यू है, इट मीन्स यहाँ पे क्या है 0, 0 से लेके क्या कहाँ तक आया 9 तक, तो 9 में से अगर हम 0 माइनस कर देंगे क्या आएगा 9, टोटल आवर्स कितने होते हैं 12, 9/12, 3 3 जा 4, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12 क्या आ जाएगा 3/4 ऑफ ए रिवॉल्यूशन। नेक्स्ट है 1 to 10, 1 से स्टार्ट होके कहाँ आया 10, तो 10 में से 1 माइनस कर देंगे क्या आ जाएगा 9/12, 9/12 = 3/4 ऑफ ए रिवॉल्यूशन। नेक्स्ट है हमारे पास 6 to 3, 6 से राउंड स्टार्ट किया और यहाँ से इसे कंप्लीट करके 3 के पास आया। अब देखो 6 to 3 देखते हैं, बीच में 12 आता है, उसके बाद फिर से 1 से स्टार्ट होता है, तो हम कहाँ से कहाँ तक निकालेंगे, एक बार तो हम 6 से 12 तक निकाल लेंगे यहाँ, और फिर यहाँ से 3 तक निकाल लेंगे। कैसे? इसको हमने पार्ट्स में ब्रेक कर दिया, 6 से 12 और 12 से 3। अब 12 को हम क्या लिखते हैं 0 लिखते हैं, तो इसलिए हम उसके अकॉर्डिंग करेंगे। 6 to 12 के लिए हमने क्या किया कि 12 - 6 कितना आ जाएगा 6, यहाँ से यहाँ तक कितना होगा 6 आ जाएगा = 6। उसके बाद हमारे पास 12 से कहां तक आए 3, अब 12 को मैंने क्या मानना था 0, तो 3 में से 0 जाएगी हमारे पास क्या आ जाएगा 3, टोटल हमारे पास क्या आ गया 6, हमारे पास ये आए थे और 3 ये आ गए, 6 + 3 कितना आया 9, या फिर हम ऐसे देख सकते हैं 6 से 3 तक हमारे पास कितने आ जाएंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, टोटल कितने हो गए 9, और डिवाइड कर देंगे 12 से तो क्या आ जाएगा 3/4 ऑफ ए रिवॉल्यूशन। नेक्स्ट है वेयर विल द हैंड ऑफ ए क्लॉक स्टॉप इफ, ये बोल रखा है कि जो हैंड है वो कहाँ स्टॉप होगी, स्टार्ट्स एट 12, अगर वो 12 से स्टार्ट हुई एंड मेक 1/2 ऑफ ए रिवॉल्यूशन, और उसने कितना रिवॉल्यूशन बनाया है 1/2, तो हम कैसे निकालते हैं टोटल का निकाल के देखते हैं, हम 1/2 निकाल लेंगे स्टॉप एट 6। अब 12 से स्टार्ट हुई है, 12 का अगर हम, मैंने अभी पीछे किया था कि इसका हमारे पास कंप्लीट कितना हुआ 1/2, तो इसको 2 से हम कैंसिल कर देंगे, 2 6 जाए 12, तो किस पे आके रुकेगी है वापस 6 पे, तो 12 से 6 और कितने डिग्री का ऐसे रिवॉल्व करेगी। नेक्स्ट है स्टार्टिंग फ्रॉम 2 एंड मेकिंग 1/2, 2 से स्टार्ट हुई 1/2 बनाया, तो इट मीन्स ये 1/2 बनाएगा, तो इसके बिल्कुल सामने कौन है 8, तो 1/2 के लिए हम क्या कर देंगे 12 * 1/2, 2 से कैंसिल किया 6, अब यहाँ से देखो 6 के लिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, तो किस पे आके रुकेगी 8 पे।
क्लॉकवाइज एंड स्टॉप एट 8, स्टार्टिंग फ्रॉम 5, 5 से स्टार्ट किया एंड मेकिंग 1/4 ऑफ ए रिवॉल्यूशन, एक रिवॉल्यूशन का 1/4 बनाया, तो टोटल 12 होता है, 1/4 करेंगे क्या आ जाएगा, 4 3 जा तो कितना आया 3, तो 3 आगे बढ़ाएंगे, इसके अंदर 5 है, 6 7 8, तो किस पे आके रुकेगी 8, स्टार्टिंग फ्रॉम 5, 5 से स्टार्ट किया एंड मेकिंग 3/4, 3/4 किसका, 12 का, 4 से 3 पे 3 3 जा कितना आ जाएगा 9, तो 5 से हमने स्टार्ट किया और 9 इंक्लूड करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 पे हमारे पास क्या आता है 2, तो 2 पे आके हमारे पास जो हैंड है वो रुकेगी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3, वट डायरेक्शन विल यू फेस इफ़ यू स्टार्ट फेसिंग, आपके जो फेस है उसकी डायरेक्शन क्या होगी, ईस्ट ऑफ एंड मेक 1/2 ऑफ ए रिवॉल्यूशन क्लॉक वाइज, हम कहाँ हैं, ईस्ट में है हमारा फेस, ठीक है, ईस्ट से हमने स्टार्ट किया है, मीन्स यहाँ से हमने स्टार्ट किया 1/2 रिवॉल्यूशन ऑफ क्लॉक वाइज, क्लॉक वाइज 1/2 रिवॉल्यूशन मीन्स हाफ हो जाएगा, और ये टोटल है, टोटल का हाफ कहाँ से कहाँ तक, यहाँ तक आएगा, तो हमारे पास जो अब है हमारा फेस वो कहाँ होगा, वेस्ट में होगा, कहाँ आएगा हमारे पास से? वेस्ट में फेस। नेक्स्ट है ईस्ट एंड मेक 1/2, टोटल हमारे पास 1/2 है, ईस्ट से हमने स्टार्ट किया, यहाँ से हमने स्टार्ट किया 1/2, 1 हमारे पास क्या हो गया, इट मीन्स एक राउंड तो हमारे पास क्या करेगी वो कंप्लीट करेगी, और उसके बाद फिर से कितना राउंड लगाएगी 1/2, एक राउंड तो यहाँ से यहाँ तक मीन्स पूरा कंप्लीट हो गया, उसके बाद फिर से हाफ लगा दिया, अब वो कहाँ पे आके रुकेगी हमारे पास, वेस्ट में आके रुकेगी। नेक्स्ट है वेस्ट एंड मेक 3/4, अब वेस्ट से उसने स्टार्ट किया है और कहाँ आके रुकेगी 3/4, 3/4 क्या आ जाएगा, जो टोटल है उसमें हमारे पास 4 पार्ट्स है, 4 का क्या है 3rd पार्ट आएगा, तो 1 2 3 यहाँ आके रुकेगी, और ये हमारे पास क्या है नॉर्थ, साउथ एंड, साउथ से हमने स्टार्ट किया एंड मेक 1 फुल रिवॉल्यूशन, एक पूरा का पूरा रिवॉल्यूशन कंप्लीट करेगी और वापस कहाँ आके रुकेगी साउथ पे। नेक्स्ट है 4, वट पार्ट ऑफ ए रिवॉल्यूशन हैव यू टर्न थ्रो इफ यू स्टैंड फेसिंग, आप फेसिंग स्टार्ट कर रहे हैं, वट पार्ट ऑफ रिवॉल्यूशन, रिवॉल्यूशन का पार्ट आपको बताना, हैव यू टर्न थ्रो इफ यू स्टार्ट स्टैंड फेसिंग, क्या दे रखा है ईस्ट, ईस्ट से हमने स्टार्ट किया एंड टर्न क्लॉकवाइज टू फेस नॉर्थ, हमें फेस नॉर्थ की साइड जाना है और क्लॉकवाइज करना है, हमें क्लॉकवाइज चलना है, तो हम यहाँ से चलेंगे यहाँ तक आएंगे, हमारे पास कितना पार्ट आ गया 1 2 3, इसको हम क्या बोल देंगे 3/4 पार्ट, कितना पार्ट आएगा 3/4 पार्ट। साउथ, अब हम कहाँ से चल रहे हैं साउथ से, एंट्रन क्लॉकवाइज टू फेस ईस्ट, क्लॉकवाइज चल रहे हैं और ईस्ट पे आके रुकना है, यहाँ से यहाँ तक 1 2 3 कितने पार्ट हो गए 3, और टोटल पार्ट कितने हैं 3/4। वेस्ट से चले, अब हम कहाँ से चले वेस्ट से चले, एंट्रन क्लॉकवाइज टू ईस्ट, यहाँ से चले और हमें कहाँ आना है ईस्ट में क्लॉकवाइज आना है, तो कितने पार्ट हो गए 1 और 1 2, तो क्या आ जाएगा हमारे पास 2/4 टोटल पार्ट, इसको कैंसिल कर देंगे क्या आ जाएगा 1/2 पार्ट्स। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड द नंबर ऑफ राइट एंगल टर्न थ्रो बाय द हवर हैंड ऑफ ए क्लॉक व्हेन इट गोज फ्रॉम, आपको क्या बताना, फाइंड द नंबर कि किस नंबर पे पहुंचेगी वो राइट हैंड टर्न थ्रो बाय द हवर हैंड ऑफ ए क्लॉक, एक क्लॉक की जो राइट हैंड है वो टर्न करेगी, व्हेन इट गोज फ्रॉम, वो कहाँ जाएगी 3 2 6, ये हमारे पास 3 है और ये हमारे पास 6 है, 3 से लेके 6 तक मीन्स यहाँ पे एक ये होगी एक ये होगी, कितने डिग्री का एंगल बनाएगी 90 डिग्री का, और कितने राइट एंगल बनाएगी 1, तो क्या बोल देंगे स्टार्टिंग फ्रॉम 3 2 6 द हावर हैंड टर्न शो 1 राइट एंगल, तो कितना राइट एंगल पे टर्न करेगी वो 1 राइट एंगल पे। 2 2 8, 2 से हमारे पास कहाँ आएगी 8, ये हमारे पास 2 आ जाएगा, ये हमारे पास 8, तो दोनों हमारे पास पूरी सीधी लाइन होगी, एक हमारे पास सीधी लाइन पे कितने डिग्री का एंगल बनता है 180 के बीच में कितने होंगे 2 90 के, तो क्या बोल देंगे स्टार्टिंग फ्रॉम 2 2 8 द हावर हैंड टर्न शो 2 राइट एंगल्स,
5 टू 11, 5 से लेके 11, ये हमारे पास 5 आ जाएगा और इधर हमारे पास 11, ये भी एक सीधी लाइन होगी, सीधी लाइन पे 180 का, 180 पे कितने बनाती है, 2 राइट एंगल्स। 10 टू 1, ये हमारे पास 10 है, ये हमारे पास 1 है, यहाँ पे आ जाएगा 10 और यहाँ आ जाएगा 1, तो कितने बनाएगी, 1 बनाएगी, 2 तो बनाएगी नहीं, तो क्या लिख देंगे, स्टार्टिंग फ्रॉम 10 टू 1 द हावर हैंड टर्न शो 1 राइट एंगल। 12 टू 9, 12 से 9, अब देखो 12 से लेके 9 तक जब हम आएंगे, ये हमारे पास 12 है और ये हमारे पास 9 है, 12 से यहाँ तक ऐसे राउंड करके आए हम, तो कितने राइट एंगल बनाएगी, ऐसे कर दिया ऐसे, 1 2 3, कितने बनाएगी, 3 राइट एंगल। 12 टू 6, 12 टू 6 सीधी लाइन हो जाएगी, तो कितने एंगल बनाएगी, 2 राइट एंगल्स। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6, हाउ मैनी राइट एंगल्स, आपको क्या बोल रखा है कि हाउ मैनी राइट एंगल्स डू यू मेक, कितने राइट एंगल्स बना सकते हैं इफ़ यू स्टार्ट फेसिंग, अगर हम फेसिंग स्टार्ट कर रहे हैं तो कितने राइट एंगल्स बनाएंगी। साउथ, साउथ से हमने स्टार्ट किया एंटरिंग क्लॉकवाइज टू वेस्ट, साउथ से हम वेस्ट की साइड गए तो कितने बनाए, 1 बनाए हमारे पास, 1 राइट एंगल। नॉर्थ, नॉर्थ से हमने स्टार्ट किया एंटी क्लॉक, एंटी क्लॉक मीन्स उल्टा चलेंगे हम, इधर के बजाय क्या चलेंगे, एंटी क्लॉक, उल्टा, क्लॉक के उल्टा, तो क्या आ जाएंगे, एंड कहाँ तक पहुँचना है, ईस्ट तक है, नॉर्थ से हमने स्टार्ट किया और वापस कहाँ तक आएंगे हमें, ईस्ट तक, और यहाँ पे हमारे पास कितने राइट एंगल बनेंगे, 1 2 3, क्योंकि हर एक में कितना 90 का एंगल बनता है, तो 1 2 3 कितने बनेंगे, 3 राइट एंगल। वेस्ट एंड टर्न टू वेस्ट, वेस्ट से हमने चलना स्टार्ट किया और वापस कहाँ आ गए, वेस्ट में, तो कितने बनेंगे, 1 2 3 4, क्या आ जाएगा, 4 राइट एंगल्स। नेक्स्ट है साउथ, साउथ से हमने चलना स्टार्ट किया और टर्न टू नॉर्थ, नॉर्थ तक गए, 1 और 1 2, तो क्या आ जाएगा, 2 राइट एंगल्स। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7, वेयर विल द हावर हैंड ऑफ ए क्लॉक स्टॉप इफ इट स्टार्ट्स, हमारे पास ये पूछ रखा है कि जो क्लॉक है वो कहाँ स्टॉप होगी अगर फ्रॉम 6 एंड टर्न शो ए राइट एंगल, अगर वो 6 से स्टार्ट हो और एक राइट एंगल बनाए, अगर वो 6 से स्टार्ट होगी तो क्या बोल देंगे, स्टार्टिंग फ्रॉम 6 एंड टर्निंग शो 1 राइट एंगल द हावर हैंड स्टॉप ए 9, क्योंकि 9 जब 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे तो हम ये बनेगा, तो ये हमारे पास कहाँ आके रुकेगी, 9। 8 से स्टार्ट होगी टर्न शो 2 राइट एंगल, 8 से स्टार्ट होगी 2 राइट एंगल बनाना है हमारे पास, तो हमारे पास एक सीधी लाइन होगी, तो क्या बना देंगे, 8 से स्टार्ट होके वो कहाँ आएगी, 2, इसलिए हम क्या बोल देंगे, 8 से 2, स्टार्टिंग फ्रॉम 8 एंटरनिंग फ्रॉम शो 2 राइट एंगल्स द हावर हैंड स्टॉप 2, तो हमारे पास जो हावर हैंड है वो कहाँ स्टॉप होगी, 2। फ्रॉम 10 से हमने स्टार्ट किया एंड थ्रो 3 राइट एंगल, 3 राइट एंगल बनाएगी, 10 पे आ गए हमारे पास है। अब हमारे पास सबसे इजी मेथड बताती हूँ मैं, अगर एक राइट एंगल है तो बीच में हमें कितने छोड़ने हैं, नंबर 2, और अगर हमारे पास 2 एंगल हैं तो कितने हो जाएंगे, 1 2 3 4 5, तो हमारे पास कितने हो जाएंगे, टोटल 5 आ जाएंगे। अब इसको हम ऐसे ही करेंगे, देखो कैसे करना है, हमें सिंपल चीज़ लेके चलनी है बस, हमें 10 से शुरू किया हमने 1 2, अगर हम यहाँ से देखते हैं तो 1 पे फर्स्ट बनेगा हमारे पास, ये 2 छोड़ देंगे, यहाँ हमारे पास सेकंड बनेगा, फिर ये 2 छोड़ दिया, यहाँ पे थर्ड बनेगा, तो ये हमारे पास कितना हो गया, थर्ड के लिए बनेगा, ठीक है, तो ये हमारे पास क्या आ गया, 10 से स्टार्ट होके कहाँ आएगी, 7 पे स्टॉप होगी। फ्रॉम 7 एंट्रेंस शो 2 स्ट्रेट लाइन, 2 सीधी लाइन बनेंगी, तो राइट एंगल कितने बनेंगे, 4 बनेंगे, और जब हमारे पास 7 से स्टार्ट होगी तो वापस 7 पे आएगी, तभी तो 2 सीधी लाइन बनेंगी। स्टार्टिंग फ्रॉम 7 एंटरनिंग थ्रो 2 स्ट्रेट लाइन द हावर एंड, वापस 7 से स्टार्ट होके, देखो 7 से अगर हम देखते हैं तो सीधी लाइन एक बनाने के लिए 1 आ जाएगा, फिर 1 से वापस हमारे पास एक और सीधी लाइन बनानी है तो फिर से वापस 7, तो पूरा का पूरा क्लोक करके वापस क्या आएगा, 7। ये थी हमारे पास एक्सरसाइज 5.2। ओके, थैंक यू।